चलते हुए सिद्धारमैया जी ने भी एक नोटिस जारी की थी कि डोंट डिटेन मुस्लिम यूथ, वो तो कोर्ट की फटकार और भारत की जनता के ललकार के कारण सिद्धारमैया जी को वह नोटिस वापस लेना पड़ा। मगर इस प्रकार की जो अपीजमेंट की राजनीति है राहुल जी, यह अपीजमेंट की राजनीति ज्यादा दिल चलने वाली नहीं है। जब 2014 में इसी अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण द कांग्रेस पार्टी वॉज डिरेल्ड, द कांग्रेस पार्टी गॉट ओनली 44 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस, तब राहुल गांधी तुरंत दौड़ के जाके एक टेम्पररी जनेऊ लेकर आए हैं और शर्ट पैंट के ऊपर ही इस टेम्पररी जनेऊ को धारण किया है। क्यों धारण किया है कपड़े के ऊपर टेम्पररी जनेऊ को? ताकि जब मौका मिले एट द फर्स्ट इंस्टेंस उसे तुरंत उतारा जा सके। राहुल जी, देश की जनता बुद्धिमान है, यह भारत की जनता है। भगवा का अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके दुखों को हर लेना, सबके सुख की कामना करना, सभी के लिए जीवन वसन करना, वसुधैव कुटुंबकम, यह भारत के मिट्टी का चरित्र है। इसको हिंदू मुसलमान हरा भगवा इस प्रकार से बांटने की कोशिश जो सदियों से, मैं कहूंगा आक्रांता पहले करते थे, अंग्रेजों ने बाद में किया और उसके बाद उन्हीं से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सीखते हुए आपके परिवार के लोगों ने, गांधी परिवार के लोगों ने, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सिखों का मान मर्दन किया गया, सिखों को सड़कों में टायर डाल डाल के 3000 हमारे सिख बंधुओं को मार दिया और आज हिंदुओं के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। इशरत जहान को, जो एलईटी से संबंध रखती थी और जिसका नाम एलईटी के वेबसाइट पे भी आया, उसको आप शहीद बताते थे, फाइलों में एफिडेविट चेंज कराते थे और भगवा आतंकवाद बताते हैं। राहुल गांधी जी, तिरंगे में भी भगवा का रंग है और तिरंगा का यह भगवा रंग आपको जवाब देगा। जहां जहां चुनाव होगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, जवाब भी ईवीएम के बटन से मिलता है, लोकतांत्रिक तरीके से मिलता है। राहुल जी, जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां तिरंगे का भगवा आपको जवाब देगा और कांग्रेस को उखाड़ के बाहर निकाल देगा, क्योंकि आपने इस देश के सभ्यता संस्कृति और हिंदुओं के साथ मजाक किया है। धन्यवाद बंधु।